नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 19 अप्रैल कामदा एकादशी आने वाली है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया सात फूल और सात दिए वाला एक ऐसा उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। बहुत लोगों ने इसको किया भी है और उन्हें इसका फल भी मिला है, तो इसलिए दोस्तों आपको भी इस उपाय को करना चाहिए। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको उपाय समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कामदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों सात फूल और सात दिए वाला उपाय को करना किसको है, कब करना है और कैसे करना है, तो दोस्तों पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, वह सारे दुख खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका कोई परेशानियां चल रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, दोस्तों हम समझते हैं कि यह सात फूल और सात दिए वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर हम आपको बता देते हैं कि यह जो उपाय है, यह घर की सभी सदस्यों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर की कोई एक व्यक्ति इस उपाय को करेगा तो इसका फल आपका पूरा परिवार को मिलेगा। अगर घर की माताएं बहनें घर की शांति के लिए इस उपाय को करते हैं तो कर सकते हैं, और यदि माताएं बहनें वर्तमान नहीं हैं तो घर की कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह सात फूल और सात दिए वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस सात फूल और सात दिए वाला उपाय को कामदा एकादशी के दिन जरूर करें। दोस्तों इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है, क्योंकि कामदा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझ सकते हैं कि इस सात फूल और सात दिए वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस एकादशी के दिन किए जाने वाले यह सात फूल और सात दिए वाला उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस सात फूल और सात दिए वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। और यदि आप प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, पर कोशिश करना थोड़ा जल्दी जल्दी इस उपाय को करने का। अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। पहले तो स्नान करना है, शुद्ध होना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, मतलब कामदा एकादशी के दिन आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, देखो इस उपाय में आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों को उपाय के नाम से ही पता चल गया कि इस उपाय में सात फूल और सात दिए का यहाँ पर आवश्यकता है। पर जो सात फूल हम ले रहे हैं, क्या वो सात फूल अलग अलग लेने हैं, और जो हम सात दिए ले रहे हैं क्या वो मिट्टी के लेने हैं या आटे के लेने हैं, और उसके अंदर बत्ती कौन सी रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, आप अगर फूल ले रहे हैं, सात फूल आपको लेने हैं, ना ज्यादा लेने हैं ना कम लेने हैं, सात फूल आप कोई से भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखना, आपको इस फूल लेना है जो शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ना हो। उदाहरण के लिए आप लोग अगर सफेद फूल ले रहे हो शिव जी पर चढ़ने वाले, तो सातों फूल सफेद ही लेना, ऐसा ना हो एक सफेद ले लिया, एक गुलाब का ले लिया, एक गेंदा का ले लिया। मतलब एक गुलाब का फूल ले रहे हो तो सातों गुलाब के फूल लेना, गेंदा का ले रहे हो तो सातों गेंदा के ही फूल लेना है। तो यहां पर बदल बदल के फूल नहीं लेना है, सात जो फूल आप लोग ले रहे हो वह एक ही फूल होंगे। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं दीपक की। तो देखो यहां पर दिए जो यहां पर इस्तेमाल होंगे वो होंगे दोस्तों मिट्टी के दीपक, कामदा एकादशी है तो यहां पर मिट्टी के दीपक ज्यादा फल देने वाला है। तो करना क्या है, मिट्टी के साथ दीपक आपको लेना है, सातों दीपकों के अंदर बाती कौन सी रखोगे। देखो यहां पर बाती की अगर बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को लंबी बाती रखनी है। कामदा एकादशी नवमी का दिन है तो इस दिन सभी लंबी बाती के दीप लगाए जाते हैं, और इस दीपक को लगाने वाले स्थान पर भी जो है लंबी बाती का ही दीप लगाया जाता है।
तो सात लंबी बाती तैयार करके सातों दीप को के अंदर एक एक रख देना मिट्टी के दीपकों के अंदर, और उसके बाद में इन दीपकों के अंदर जो चीज आप डालोगे वह अब डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो भी आप दीपकों के अंदर डाल रहे हैं वह मिलावटी नहीं होनी चाहिए, वह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, तभी आपको उपाय का फल मिलेगा। तो आप भी बाजार से बिल्कुल भी मत खरीदना। अब आप लोगों को करना क्या है, सात फूल आपके तैयार हैं, सात दीपक आपके तैयार हैं। अब ध्यान से सुनो क्या करना है आपको, यह उपाय सुबह सुबह ही करना है। सुबह से यह उपाय शुरू होगा, बाकी जब तक आपकी मर्जी रहे, जब तक आप इस उपाय को कर सकते हो। तो करना क्या है, सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके लगभग 8 बजे तक आप लोग इस उपाय को शुरू कर देना। करना क्या है, देखो यह उपाय आपके घर से ही शुरू होगा। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना, आपके घर में रसोई घर है, रसोई घर में आपके पीने वाला पानी वाला स्थान है, परंटा है, मटका रखा हुआ है, एक ऐसा स्थान जहां पर आप अपने घर से पीने का पानी लेते होगे, तो वह आपके पितरों का स्थान होता है। मतलब परंडा हो या गुंड रखी हो, आपकी कोई भी ऐसा स्थान जहां से आप पानी भर के पीते हो, उस स्थान पर आप लोग चले जाइएगा और पहले ही उस स्थान की साफ सफाई भी जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा साफ कर दीजिएगा। वहां पर करना क्या है, आपको उस स्थान पर अपने घर के रसोई घर के अंदर जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान पर सबसे पहले आपको सात फूल लेकर जाने हैं। जो सात फूल आपने चुने हैं, जो भी आपको मिले हो सात फूल, वो सात फूल लेकर जाने हैं। सातों फूलों को आपको उसी स्थान पर रख देना है जहां पर आपके पीने के पानी वाला स्थान है। ऐसा नहीं है, पीने के पानी वाले स्थान के बिल्कुल पास में ही ऊपर ही आपको रखना है, उसके आजू बाजू भी थोड़ा होकर आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पीने के पानी वाले स्थान के ही पास में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो सातों फूल पहले आप वहां पर रख दीजिए, या एक तरीके से वहां पर समर्पित कर दीजिए। रख दिया आप लोगों ने, रखने के बाद अब ध्यान से सुनो कि उपाय में क्या करना है। जो आपने सात दीपक तैयार किए थे, इन सातों दीपक को भी यहां पर लेकर आ जाओ। सातों दीपकों को आप लोग क्या कर लो, जला लो। क्या करना है, जला लो सातों दीपकों को। सातों दीपक जैसे ही जल जाए तो इन सातों दीपकों को जो है आप लोग, पहले सात फूल आपने चढ़ा दिए उस स्थान पर जहां पर भी आप रख रहे हैं, ये परिंडे के पास में, फिर उसी के पास में, फूलों के पास में इन सातों दीपकों को रख दो। कोई आरती कुछ नहीं करना है, पहले जला लेना है, फिर उठा उठा कर जो है सातों दीपक फूल के पास में आपको रख देना है। रखने के बाद क्या करना है, इन दीपकों की पूजन करनी है। पूजन कहने का मतलब है कि इनको चंदन लगाओ, इनको तिलक करो, इनकी जो भी पूजन करते हो ना, जैसे आप भगवान की पूजन करते हो वैसे ही आप लोग इन सातों दीपकों की पूजन करो। मतलब पूजन ही करना है, आरती वगैरह कुछ नहीं करना है। इसमें पूजन हो गई, आपका तिलक वगैरह सब हो गया सात दीपक के लिए। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, कुछ समय रुकना है। कब तक रुकना है, जब तक कि आपके ये दीपक ठंडे ना हो जाए। दीपक ठंडे होने का क्या मतलब है कि ये दीपक अपने आप, इनकी जो है पूरी बत्ती जब तक ना जल जाए, पूरे दीपक जब तक ये ना जल जाए, जब तक जो है आप लोगों को इन दीपक को वहीं पर जले रहने देना है। कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, आप अपने बाकी काम कर सकते हैं, यहीं पर कहीं पर पास में भी बैठ सकते हैं। तो यहां पर यह आपके सात दीपक आपने जलाकर छोड़ दिए। अब जब ये सात दीपक आपके ठंडे हो जाए, पूरे जल जाएंगे, उसके बाद वापस से आपको इस स्थान पर आना है। इस स्थान पर आने के बाद सातों दीपक तो आपको वहीं पर रखे रहने देना है, पर जो सात फूल आपने चढ़ाए थे ना, उन सातों फूलों को आपको उठा लेना है। क्या करना है, सातों फूलों को, जो सात फूल आपने लिए हैं, जो भी लिए हो, जो जिस भी तरह के फूल लिए हो, वह सातों फूल आपको उठा लेना है। अब इन सातों फूलों को लेकर आपने जब जब भी उठाए हो, आपके पास पूरे दिन का समय रहेगा। कितने समय का, पूरे दिन का समय रहेगा। तो आप ध्यान रखना, दिन के समय में ही, मतलब शाम से पहले कभी भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। तो इन सातों फूलों को वहां से उठाना और सीधा लेकर जाना पूरे दिन में। कभी भी शिवजी के मंदिर में कोई आपके लिए रुक नहीं है। पूरे दिन में जब आपको समय मिल जाए, जब आपकी दीपक वहां पर ठंडे हो जाए, सातों फूलों को उठाना और पहुंच जाना शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में जाकर आप लोगों को क्या करना है,
कि इन सातों फूलों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, जलाधारी पर समर्पित करना है, और इसे समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। अब एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं, एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद आपको भगवान से विनती करना है, प्रार्थना करना है और आपको वह मनोकामना बोलना है। जी, मनोकामना के लिए आपने यह उपाय कर रहे हो। इतना करने के बाद आपको वापस घर चले आना है। यहाँ पर आपका यह उपाय खत्म होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कामदा एकादशी के दिन इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करना, और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो तो भी इस उपाय